नमस्कार दोस्तों, आज का विषय हमारा बहुत ही खास है, तो आज आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं उसे हम कच्चा इस्तेमाल करते हैं, पकाकर भी इस्तेमाल करते हैं और सेहत के लिए भी उसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अदरक के बारे में। हमारे भारत में अदरक लगभग 5000 साल पहले से ही इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। यह न केवल भोजन में प्रयोग किया जाता है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी इसके अनेकों फायदे देखे गए हैं। दोस्तों, आज हम आपको अदरक के फायदे और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारे विषय के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे। अगर आप उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको हमेशा मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर अदरक है क्या। दोस्तों, अदरक एक ऐसा मसाला है जो जिंगीबर ऑप्शनल नाम से पौधे की पपड़ी से मिलता है। भारतीय और एशियाई में अधिक से अधिक इसका प्रयोग भोजन में किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी इसके अनेकों फायदे देखे गए हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं अदरक के वो कौन कौन से फायदे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण। दोस्तों, अदरक अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से जोड़ों में आई सूजन के साथ साथ सूजन में होने वाली अन्य बीमारियों से भी हमारी रक्षा करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो कि ताजे खून को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। अदरक का नियमित रूप से सेवन करने से कैंसर के सेल्स को बढ़ने में रोकने में मदद मिलती है। इससे हम कैंसर के खतरे से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अदरक एक दर्द निवारक भी माना जाता है। रोजाना 2 ग्राम अदरक लेना मांसपेशियों के दर्द और शरीर के अन्य भागों के दर्द में आराम दिलाता है। इसके अलावा दोस्तों, यह खून को पतला करने का भी काम करता है। इससे उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद मिलती है। अदरक की कुछ बूंदे नींबू के रस में मिलाकर सेवन करने से रक्तचाप बढ़ने से कम हो जाता है। अदरक खून की रुकावट को हटाकर खून के प्रवाह को ठीक करता है। यह न केवल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाकर हार्ट अटैक से भी हमें बचाता है। दोस्तों, अदरक हमारे भोजन को पेट से छोटी आंत में ले जाने की क्रिया को तेज कर देता है और पेट की अशुद्ध चीजों को साफ करता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत बनी रहती है। अदरक का जो सबसे बड़ा फायदा देखा गया है, सर्दी जुकाम और जी मिचलाने की समस्या के लिए अदरक सबसे पुराना नुस्खा है। यह सर्दी के बैक्टीरिया को मारकर सर्दी से तुरंत राहत दिलाता है। गर्म में शुरुआती दिनों में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस की समस्या को अदरक एकदम से ठीक कर देता है। चेहरे पर मुहासों और त्वचा की बीमारियों के लिए भी अदरक का सेवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है। दोस्तों, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होने के कारण कील मुहासों से अदरक की वजह से ही छुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ साथ यह हमारे बालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अदरक का रस पीना बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप बालों की जड़ों में भी अदरक के रस का उपयोग कर सकते हैं। बालों की जड़ों में खून के दौरे तेज करने के साथ साथ यह कंडीशनर का भी काम करता है। इन सभी वजह से बालों के बढ़ने की गति तेज जाती है और बाल घने हो जाते हैं और बाल काले हो जाते हैं और बाल टूटने की समस्या से भी निजात मिल जाती है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि आखिर अदरक का प्रयोग हमें कितनी मात्रा में करनी चाहिए। एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक दिन में अदरक की जड़ 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। वहीं 2 से 6 साल के बच्चों के लिए अदरक की जड़ 2 ग्राम से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। वहीं गर्भवती महिलाओं के लिए भी अदरक 1 ग्राम से ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। अदरक के फायदे और अदरक की मात्रा के बारे में हमने चर्चा कर लिया। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर अदरक के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज सेवन करने से आपको हानि पहुंचा सकती है, उसी तरह अदरक का भी अधिक इस्तेमाल करने से आपको हानि हो सकती है।
अदरक का अधिक मात्रा में सेवन करने से आपको त्वचा और आंखों में जलन का अनुभव हो सकता है। इसके साथ साथ गैस और अफारा की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, आज हमने अदरक के बारे में विस्तार से चर्चा किया और इसके फायदे के बारे में और इसका उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसके अधिक सेवन से क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा किया। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। शेयर करने के लिए आप फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।